आज हम आप लोगों के साथ बहुत आसान बर्फी रेसिपी शेयर कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? स्वागत है मेरी रसोई में। फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाने के लिए यहाँ पे हम 30 ml घी ले लिए हैं। घी इसमें इम्पॉर्टेंट है, आप ज़रूर लें। थोड़ा सा और डाल लेंगे, 30 ml से थोड़ा सा और घी गरम कर लेंगे अच्छे से। घी जब गरम हो जाए तो इसमें सूजी डालेंगे। आपके पास अगर मोटी सूजी है तो इसको आप मिक्सर जार में अच्छे से ग्राइंडर कर लें जिससे बारीक हो जाए। आप यहाँ बारीक सूजी का इस्तेमाल करेंगे। अब सूजी डाल देंगे इसमें, अच्छे से भूनेंगे। 5 से 6 मिनट अच्छे से सूजी को भून लेंगे जिससे सूजी का कच्चा टेस्ट ना आए। इस तरह से इसे अच्छे से भूनेंगे मीडियम फ्लेम पे बराबर चलाते हुए। फ्रेंड्स, ये बर्फी बनाना बिल्कुल आसान है। अगर आप पहली बार बना रहे हैं तब भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। आप ध्यान से देखिए, इस तरह से जब इसका कलर लाइट ब्राउन हो जाए अच्छे से भूनेंगे, बराबर चलाते हुए भुनेंगे। नहीं चलाएंगे तो नीचे लग जाएगा, इसीलिए इसको बराबर चलाते हुए भुनेंगे। अच्छे से भून के कंप्लीट करेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से इसका कलर अच्छे से भुन गया है। अब इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर, 2 टेबल स्पून डाल देंगे मिल्क पाउडर। अगर आपके पास मावा है तो इसमें मावा डाल सकते हैं, आप मिल्क पाउडर स्किप कर सकते हैं। दोनों से बहुत अच्छा बनता है, आप जिस तरह से बनाना चाहे बना सकते हैं। अब थोड़ा सा मिल्क पाउडर भून लेंगे 1-2 मिनट, तब इसमें डाल देंगे चीनी। चीनी 120 ग्राम लिए हैं हम। मीठा आप ऊपर नीचे थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं इस तरह से, लेकिन आप बनाएंगे बिल्कुल परफेक्ट मीठा रहेगा। बहुत अच्छी रेसिपी है, आप लोग बना के ट्राई करें। अब इसमें दूध डालेंगे, टोटल इसमें 500 ग्राम दूध लगेगा, 1/2 लीटर दूध। एक साथ पूरा दूध नहीं डालेंगे, थोड़ा सा डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर दूध डालेंगे। 2 से 2.5 कप दूध में हो जाएगा टोटल दूध मान लो, तो 1/2 लीटर दूध में मिठाई बनके तैयार हो जाएगी। अगर आप मावा का यूज़ कर रहे हैं तो दूध की जगह आप पानी डाल सकते हैं, तभी बहुत अच्छा बनेगा ये मिठाई। इस तरह से अच्छे से चला लेंगे इसको, आप देख सकते हैं इसको इस तरह से बहुत अच्छे से इसको मिक्स करेंगे जिससे कि बहुत अच्छे से इसमें टेस्ट आ जाए मिठाई में। आप अच्छे से मिक्स करेंगे, नहीं तो ये थोड़ा थोड़ा खड़ा खड़ा रह जाता है तो अच्छा टेस्ट नहीं आता, इसीलिए आप खूब अच्छे से इसको इस तरह से चलाएंगे। अब इसमें फूड कलर डाल देंगे। आज शेफ्रॉन कलर लिए हैं, आप कोई भी कलर ले सकते हैं। इसमें इस तरह से बना लेंगे इसे फूड कलर डाल के, कलर आप अपने चॉइस के हिसाब से रख सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अब खूब अच्छे से चला के मिक्स करेंगे मिठाई में कलर को। इस तरह से खूब अच्छे से मिक्स हो गया है कलर। अब हम इसमें इलायची का पाउडर डाल देंगे, आपको पसंद हो तो ज़रूर डालें, इससे मिठाई में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हरी इलायची का पाउडर डालें इसमें। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। अब अच्छे से मिक्स करेंगे जिससे मिठाई अच्छे से मिक्स हो जाए तो जमेगी बहुत अच्छे से। इस तरह से आप गर्मा गर्म इसे सेट कर दें, आप जिस बर्तन में सेट करना चाहते हैं इस तरह से। आज हम मिठाई के डिब्बे में इसे सेट कर रहे हैं, 1 किलो मिठाई बनके तैयार हुई है, तो इस तरह से इसे सेट कर लेंगे। गर्म गर्म आप सेट कर दें अच्छे से, इतना गर्म रहे जिससे आपका हाथ सह सके, बस अच्छे से सेट कर देंगे इस तरह से। मिठाई बहुत जल्दी बन जाती, बहुत परफेक्ट पेड़ा बन के तैयार होता है। आप पेड़ा बोले, बर्फी बोले, जो बोलते हैं इस तरह से आप तैयार कर लीजिए। ऊपर से थोड़ा सा घी डाल देंगे चिकना करने के लिए, अच्छे से इस तरह से चिकना कर लेंगे।
घर के बिल्कुल बेसिक सामान से मिठाई बनके तैयार हो जाता है। आपको बाहर से कोई भी सामान इसमें नहीं मंगाने की ज़रूरत है, बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार हो जाता है मिठाई। देख सकते हैं आप इस तरह से बना लें। अब इस पर थोड़ा सा गरी का गुरादा अच्छे से ऊपर से डाल देंगे डेकोरेट करने के लिए, जिससे मिठाई देखने में अच्छी लगे, खाने में भी टेस्टी लगती है जब ऊपर से ऐसे थोड़ा सा डाल देते हैं नारियल का बुरादा। तो अब यहाँ पे ड्राई फ्रूट आप डालना चाहते हैं तो डालें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। ऐसे भी ये मिठाई बहुत अच्छी लगती है। अब थोड़ा सा काजू लगा के इसको डेकोरेट कर देंगे मिठाई इस तरह से। इस तरह से लग के कंप्लीट हो गया है। अब मिठाई में सेब देंगे, आप कोई भी सेब दे सकते हैं। इस तरह से इसमें सेब देंगे मिठाई में, गरम गरम ही काट देंगे अच्छे से। आप जो सेब देना चाहते हैं दे सकते हैं। मिठाई बनके कंप्लीट हो गई है, देख सकते हैं। आज हम इस तरह का सेब दिए बर्फ़ी का, देख सकते हैं आप कितना आसानी से कट जा रहा है। बहुत परफेक्ट बनके तैयार हुआ है ये बर्फ़ी। अब इसे छोड़ देंगे, ठंडा हो जाएगा तो इसका पीस निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, पीस निकालते समय मेरा कैमरा नहीं ऑन था, इसीलिए मुझसे गलती हो गई, इसलिए आई एम सॉरी। इस तरह से बर्फ़ी बहुत आसानी से निकल जाता। आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट मीठा बनके तैयार हुआ है। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना